गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मयंक विद योर गाइड विद अ फ्रेश न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। डियर वंस, इन द लास्ट क्लासेस आई हैड फिनिश्ड द लेसन नंबर एंड इन टुडेज क्लास माय टॉपिक इज होमोफोन्स। As the name explains very much, homo, that is same. And phones is derived from, phone comes for the word sound. Same sound. Yes, this is right. Homophone, same sound. Words, let's say words, jo, which are same in pronunciation but having different spellings and meanings. So my definition like a words that are same in pronunciation but having different spelling and meanings. वैसे words that are same in pronunciation but having different spelling and meanings are called homophones. जिनका pronunciation same हो but spelling and meaning different हो, that are called homophones. अभी मैं examples के through कुछ होमोफोन्स आपको बताऊंगा डेट आर वेरी कंफ्यूजिंग, उनके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहले हम लोग आते हैं एफेक्ट, एफेक्ट एंड इफेक्ट, ऑलमोस्ट हैविंग सेम प्रोनंसिएशन, अफेक्ट इफेक्ट। हम लोगों को इस दोनों के बीच का डिफरेंस ये समझना है। एफेक्ट इज एक्चुअली वर्ब, अफेक्ट वर्ब और इन दिस इफेक्ट इज नाउन। इसका मीनिंग मैं बताता हूं, अफेक्ट है टू इन्फ्लुएंस और अट्रैक्ट, और टू अट्रैक्ट, ये मीनिंग है किसका, अफेक्ट का। दिस इफेक्ट मीन्स रिजल्ट, व्हाट इज द इफेक्ट या आउटकम, या आउटकम, दिस इज द मीनिंग ऑफ अफेक्ट एंड इफेक्ट। सेकेंड वर्ड सी, एस EAC और SEEC, both having same pronunciation but spelling is different, SEA and SEE, and meaning will be different. Sea, that is का मतलब समुद्र, a large amount of water, large amount of salty water, इसको हिंदी में लोग समुद्र कहते हैं। And see, मतलब to know anyone's presence through an organ, that is eye, to know anyone's presence by a part of body, that is eye, आंख के थ्रू किसी को देखना, सी का मतलब होता है देखना। और सी एक लार्ज साल्ट वाटर का समूह, जिसको हम लोग समुद्र कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बट द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, सी एंड सी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग डेजर्ट, एक होता है डेजर्ट जो आपका हुआ DESERT डेजर्ट, एक होता है DESERT डेजर्ट, बोथ हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट स्पेलिंग इज डिफरेंट एंड द मीनिंग ऑल्सो विल बी डिफरेंट। डेजर्ट ये नाउन है एंड दिस डेजर्ट इज ऑल्सो नाउन। इस डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान या वैसा भूमि, अ लैंड हैविंग वेरी फ्यू वाटर, दिस इज डेजर्ट। एंड दिस डेजर्ट इज अ स्वीट फूड, जिसको हम हिंदी में मिठाई कहते हैं।